हेल्प यू? दरवाजा खोल दो। कैन आई हैव द रूम की, सर? रूम की क्यों? रूम नंबर, अरे रूम नंबर तो 427 है, मेरा रूम नंबर 437 है। सो सॉरी, माय मिस्टेक। एक्सक्यूज मी सर, यस 435 दिस वे। 435 के बाजू में 437। क्या करें, सारे रूम एक जैसे, दरवाजे एक जैसे, पाउच भी एक जैसे ही है। थैंक यू। असली मजा तो अब आएगा। ये है गोवन स्पेशलिटी सेरादुरा। ये सेरादुरा होता क्या एग्जैक्टली, बनता कैसे? ये बनाया जाता है मिल्क से। ये दूध को उबाला जाता है और उसके साथ जो कुकीज बनाते थे पहले गोवन, होममेड कुकीज, उसका चूरा बना के इसके ऊपर लेयर डाला जाता है। इससे सेट होने में तकरीबन 7 घंटे जाते हैं। ओ, 7 घंटे? ये लीजिए, पूरा एंजॉय कीजिए। ऐसा डेजर्ट मैंने पहली बार खाया है। सब अपने रूम में जाके 1 घंटा आराम करेंगे और फिर सीधा एक्टिविटी एरिया में मिलेंगे। ओके, हेलो बॉस। टोनी के बच्चे, ये बता मूर्ति मिली या नहीं? नहीं बॉस, मूर्ति नहीं मिली, लेकिन रात तक मिल जाएगी। क्यों रात तक? क्यों अभी क्यों नहीं? जेब में रखे घूमता हूँ क्या? मतलब वो लोग पाउच के साथ बाहर आएंगे तो मैं मूर्ति उसमें से उड़ा लूंगा, ये कह रहा था मैं। ठीक है ठीक है, जो जी मैं कर, पर जल्दी कर। हाँ बॉस, आप फिक्र मत करो, जल्द से जल्द वो मूर्ति अपने हाथ में होगी। ओके, टेंशन मत लो। जल्द से जल्द मुझे ये मूर्ति हासिल करनी पड़ेगी। ब्यूटीफुल है ना यहाँ का एटमॉस्फेयर। आई रोशन आंटी, कौन से सोच में डूबे हुए हो? देखो ना, गोवा आके 1 दिन भी नहीं हुआ और गोकुलधाम के सहेलियों की याद आने लगी है। मैं भी अपनी महिला मंडल को बहुत बहुत मिस कर रही थी। वो ना, तो चलो बबीता आंटी को फोन कर दे। हाँ। लगा, लगा। स्पीकर पे है। अरे फोन आया आपको बबीता जी। सोनू। हाय सोनू, व्हाट अ सरप्राइज, कैसे हो आप? हाय बबीता आंटी, आई एम ग्रेट। मेरे साथ रोशन आंटी आई है। हाँ वो तो पता है, रोशन आंटी तुम्हारे साथ आई है। नहीं नहीं बबीता आंटी, व्हाट आई मीन इज मेरे साथ रोशन आंटी और मेरी आई भी है। आई है? हाय बबीता। ओके ओके, और कैसे हो तुम? सब कुछ ठीक है? बस क्लास। बस बस बढ़िया, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? हाय रोशन भाभी, हाय माधवी भाभी, सरप्राइज। अरे अंजलि भाभी। हाय अंजलि आंटी, केम छो? अंजलि भाभी हेलो। हेलो, गोवा कैसा है और जिस होटल में रुके हो वो होटल कैसा है? अरे आप सब साथ में हो? हाँ एक साथ है। गोवा तो अभी घूमना बाकी है, लेकिन होटल बहुत फर्स्ट क्लास है। हाँ वाओ, एंजॉय। हाँ लेकिन आप लोग भी साथ में होते ना तो बहुत मजा आता। हाँ हाँ खरच है। अरे इट्स ओके, हम लोग नेक्स्ट टाइम साथ में चले जाएंगे। वैसे रोशन भाभी एक बात समझ नहीं आई, आप गोवा में माधवी भाभी के साथ कैसे? मतलब ये कि हमें तो लगा था कि आप और सोडी भाई गोवा जाके एक दूसरे में ऐसे खो जाएंगे कि किसी के हाथ नहीं आएंगे। सही बात है। वैसे अच्छा माधवी भाभी, आप लोग वहाँ पे खूब घूमिए एक साथ और खूब सारा एंजॉय कीजिए। ओके हो। और हाँ, मेरे भाई के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना मत भूलिएगा। अरे हाँ हाँ बबीता जी। वैसे भी माधवी भाभी और भीड़े भाई तो हमेशा एक साथ ही रहते हैं ना। आयरन और इलेक्ट्रिसिटी। ओके ओके, जोक्स अपार्ट, अभी आप लोग फोन को कम और गोवा को ज्यादा टाइम दीजिए। ओके हाँ, और बच्चों का पानी में ध्यान रखिएगा। हाँ और खूब घूमिए फिरिए, ढेर सारा शॉपिंग कीजिए और बहुत सारे पिक्स निकालिए। और हाँ, अपने ग्रुप पर पिक्स शेयर करना भूलना मत। अरे हाँ हाँ चौकस, मैं अपने वो मैसेज ग्रुप में ना सब फोटो भेज दूंगी। हाँ ओके बाय, एंजॉय। बाय बाय बाय, एंजॉय। हाँ बाय बाय बाय, मिलते हैं। बाय, टेक केयर।
150 का स्पीड थोड़ी होता है। लेकिन गेम्स खेलने में आज बहुत ही मजा आया। क्या क्या खेला तुम लोगों ने? हम लोगों ने टेबल टेनिस खेला, क्रिकेट खेला, सच में बहुत ही मजा आया। वाह, तो क्रिकेट में इनको आउट किया कि नहीं? नहीं, हमने आउट नहीं किया। ओहो, शिक्षक महोदय, बॉलिंग मशीन ने आउट किया, 6 बॉल में 6 बार क्लीन बोल्ड। 150 की स्पीड से बॉल डालेंगे तो आउट ही होगा ना भाई मैं। जल्दी से फ्रेश हो जाइए, फिर हम ज़ूम करके बीच पे जाएंगे, ओके? ज़ूम करके मतलब? हीरा अंकल, आप फ्रेश हो के आइए ना, आपको पता चल जाएगा। हाँ, बीच पे जा रहे हैं? जाओ जाओ, वहाँ पे तो पाउच आपको साइड में रखना ही पड़ेगा, वहीं पे मैं मूर्ति को उड़ा लूंगा। बॉस, आपकी मूर्ति तो आप मिल गई समझो। क्या बात है, इतनी सारी साइकिल्स? हाँ अंकल, बीच पास में है ना, तो हमने सोचा कि साइकिल पे चलते हैं, बहुत मजा आएगा। लेकिन अगर किसी को साइकिल पे नहीं आना है तो वो आइबिस स्टाइल्स की जीप में भी आ सकता है। हाँ। और ये जीप पे तो रोज ही जाते हैं, आज हम साइकिल पे ही जाएंगे। और भीड़ अंकल, जीप और साइकिल दोनों फ्री। चाचा जी, आप आइए जिप पे, फिर बीच पे मिलते हैं। एक मिनट रुक। आप जिप में आया मतलब क्या है? तू साइकिल पे जाएगा? नहीं, तू जिप में आ, मैं साइकिल पे जाऊंगा। चाचा जी, आप कहाँ आएंगे साइकिल पे बीच पे? आप आइए ना मस्ते पे की जिप पे बैठ के। आप कहाँ आएंगे भाई? तुझे क्या लगता है मैं साइकिल पे नहीं आ सकता? मैं साइकिल नहीं चला सकता? अरे तुझे पता नहीं है, मैं बच्चा उसे भूत तक साइकिल पे ही जाता था। अरे लेकिन इतनी दूर जाना ही नहीं है हमें, पास में ही तो जाना है। हाँ तो इसीलिए कह रहा हूँ कि साइकिल पे मैं जाऊंगा, तू जीप में आ जा, चल उधर। अरे मुझे साइकिल पे जाना है। चाचा जी देखिए, साइकिल में पेडल मारना पड़ता है, रास्ते में उतार चढ़ाव आएंगे, जोर लगाना पड़ेगा। तो भी मैं साइकिल पे ही आऊंगा। ठीक है, आप आइए साइकिल पे, मैं जाता हूँ जीप से। एक मिनट रुके, तू भी साइकिल पे ही आएगा। लेकिन एक ही साइकिल है। हाँ मुझे पता है, लेकिन तू मेरे साथ डबल सीट में आएगा। क्या डबल सीट? ना चाचा जी, राहुल इस उम्र में कुछ अगर हो गया तो। उम्र वाली नहीं, अभी तो तू डबल सीट पे आए। उतार चढ़ाव पे साइकिल जैसे चलाई जाती है ना, वो तेरा चंपक चाचा तुझे दिखाएगा। चल चल चल, बैठ जा। नहीं, राहुल देख खाड़े, मैं आराम से आ जाऊंगा जीप पे, आप जाइए। बिन्नी मास्टर, तुझे बोला ना बैठ जा। देख, अगर तू डबल सीट पे नहीं आया ना तो मैं बीच पे आऊंगा ही। चल बैठ। कितनी जिद कर रहे हैं आप, बैठ जा। ए भाई, ए क्या घूमी में बैठेगा? पीछे बैठ, जमेल ना। उतर क्यों यार? उतरा ही नहीं, मैं तो बैठ। सॉरी, मुझे पकड़ गया। हाँ हाँ, छोड़ ला मत। अरे नहीं नहीं, अभी बराबर है। अब देख, आराम से। डर मत। मैं चलाऊं चाचा जी? अरे रुक, नहीं चलाऊंगा। हिकतस नहीं है। उतर चलाओ। अरे गलती हो गई।
क्या खाया नाश्ते में आराम से? पहुंच गए बीच में पहुंच गए, मजा आ गया। चाचा जी और फिर रुकते हैं? एक काम कीजिए, आप लोग बीच में जाइए, मैं और डब्बू यहाँ पे रुक के वेट करते हैं। वाह 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 चाचा जी वाह, क्या बात है, कहाँ रह गए? ये क्या दादाजी, बीड़े अंकल को डबल सीट लेके आ रहे? अरे तू दादाजी को समझता क्या है, दादाजी अभी भी फिट है और दादाजी ना बीड़े अंकल को साइकिल पे बॉम्बे तक भी लेके जा सकते हैं। टप्पू तू एक मस्ती करते, तू वीडियो क्यों बना रहा है? टप्पू और बनी आप ठीक है चाचा जी? ठीक है आप? हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, तू ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। अरे बहुत मजा आया साइकिल चलाने का, बहुत मजा आया। अच्छा बच्चों बाकी सब लोग कहाँ हैं? उधर पीछे। हाँ सेठ जी ये लीजिए, मार्केट में जो नए हेडफोन आए हैं ना उसकी लिस्ट। हाँ वैसे सेठ जी, टप्पू सेठ जी, बापू जी और सारे गोकुलधाम वासियों की गोवा ट्रिप कैसी चल रही है? मस्त मस्त जबरदस्त। अरे भाई गोवा जगह ही ऐसी है, वहाँ जाके किसका मजा नहीं आएगा। मस्त तो ओपन जिप में घूम रहे होंगे। वाह ये ले, हम लोग अभी गोवा की बात कर रहे थे और गोवा से गोली ने वीडियो भेजा है। अरे वाह सेठ जी मैं भी देखूं? हाँ हाँ देख देख। क्या सेठ जी ओपन जीप की जगह ओपन साइकिल? अरे तो हम लोग क्यों यहाँ खड़े हैं? चलो चलो जल्दी चलो। हाँ चलो चलो। चिट्ठालाल हेलो। तेरी ये हिम्मत? चिट्ठालाल क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने तुझे बोला था ना बापूजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और तू? मैंने चाचा जी को क्या तकलीफ दी? और तुम ठीक से बताओगे कि किस बात पे चिल्ला रहे हो? तू ऐसा कर कैसे सकता है, है? मेरे बापूजी से मेहनत करवा रहे तू? अरे लेकिन क्या मेहनत करवाई? अरे खुद गॉगल पहन के सेठ की तरह साइकिल में पीछे बैठा है और बापूजी से अपना बोझ दसड़वाता है और पूछ रहा है क्या मेहनत करवाई? तुम्हें कैसे पता चला? अरे ये वीडियो तूने पापा को भेजा? मुझे यहाँ बैठे बैठे सब दिखाई दे रहा है। बापूजी साइकिल चला रहे थे कि नहीं? हाँ चला रहे थे। और तू गॉगल पहन के सेठ की तरह पीछे बैठा था कि नहीं? बैठा था जेठा, लेकिन 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 कुछ नहीं। तू गया भीड़े, तू गया, तू आ मुंबई आ, तेरे स्कूटर के साइड कार में हाथी भाई को बिठा के बिना स्कूटर चालू किए तुझसे ही तेरे स्कूटर को एक घंटे तक सोसाइटी कंपाउंड में धक्के नहीं लगवाए तो मेरा नाम भी जेठालाल चंपकलाल गड़ा नहीं। अरे जेठालाल मेरे बापूजी से अपना बोझ ढसड़वाता है निर्लज्ज। जेठालाल मेरी बात सुनो भाई, उन्होंने जिद करके मुझे डबल सीट बिठाया था। झूठ मत बोल। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैंने तुझे बोला था ना हा? कि बापूजी को बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उल्टा तू ही उनको तकलीफ दे रहा है। दगाबाज। बस बस जरा बस शांति रखो और शांति से मेरी बात सुनो। मुझे कोई शौक नहीं है चाचा जी के पीछे डबल सीट बैठने का। उल्टा मैंने चाचा जी को बोला था कि आप जीप में आइए, मैं साइकिल लेके जाता हूँ बीच पे, लेकिन नहीं वो बोले कि मैं साइकिल चलाऊंगा। तो मैंने ये भी बोला कि ठीक है आप साइकिल पे आइए, मैं जीप पे जाता हूँ। तो नहीं उन्होंने बोला कि तुम मेरे पीछे डबल सीट बैठोगे। मैंने मना किया जेठालाल, लेकिन उन्होंने जिद पकड़ी थी और तुम तो जानते हो चाचा जी को वो कितने जिद्दी है। अच्छा ऐसा हुआ था? हाँ तो पहले बताना चाहिए ना। अरे पहले कैसे बताता, तुमने मौका ही नहीं दिया, तुम चिल्लाने ही लगे। सॉरी सॉरी सॉरी। चलो भाई मजा करो मजा करो। चलो चलो। ए ए जेठालाल मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि मैं डबल सीट बैठा हूँ? बोले ना भी वीडियो भेजा ना मुझे। Oh, oh, oh.
बढ़िया अंकल, आज तो हमने सिर्फ स्विमिंग किया है, कल तो हम यहाँ के वाटर स्पोर्ट्स करेंगे, देखना बहुत मजा आएगा। और भी मजा आएगा यार, मजा आएगा। चलो यार वहाँ पे चले समुंदर में नहाने। हाँ चलो 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 चलो। हाँ घूम लो जाओ मैं वहाँ पे। सर मेरा फटा जा रहा है और मुझे धुंधला सा दिख रहा है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। भाई टोनी की मूर्ति चुराने की सारी कोशिशें हो गई है विफल, सर पे गिरा नारियल, वो भी एक नहीं दो बार। हाल है बेहाल भैया, हाल है बेहाल। टोनी बेचारा घायल है, परेशान है, नाकामयाब है, मूर्ति चुरा नहीं पाया, ऊपर से बॉस का प्रेशर बढ़ रहा है, लगातार फोन पे फोन आ रहे हैं जॉनी के। और गोकुल धाम की टोली मजा उठा रही है समुद्र का, गोवा का। भाई समुद्र में डुबकी तो लगा ली, अब कितना मजा आएगा जब गोकुल धाम की टोली समुद्र की लहरों से खेलेगी, यानी कि वाटर स्पोर्ट्स, पंछी की तरह उड़ेंगे पैरासेलिंग करते हुए। कितना मजा आएगा जब हिचकोले खाएंगे समुद्र की लहरों पे बनाना राइड में, और जिस वक्त जेट स्कीइंग करेंगे, यकीन मानिए लहरों के साथ इससे ज्यादा खेलने का मजा आ नहीं सकता। यहाँ रोमांच होगा, सुरक्षा होगी, साहस होगा और साथ में होगी ढेर सारी हंसी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।